Assalamu alaikum student, hopefully you will be fine. Today we are going to discuss exercise 2.7, chapter number 2, class 10. In previous lecture number 25, we have solved complete exercise 2.6. So now let's start exercise 2.7, question number 1. Find two consecutive positive integers whose product is 72. अब हमने वो दो पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास रिजल्ट जो आए वो 72 हो. सो वो हमने फाइंड आउट करने हैं. स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. लेट कर लेते हैं बिकॉज हमें तो पता नहीं वो नंबर कौन से हैं. सो लेट x एक नंबर है, हमें इनकी वैल्यूज तो नहीं पता. आफ्टर सॉल्यूशन हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे. x लेट्स सपोज एक नंबर है पॉजिटिव इंटीजर, और सेकंड जो है वो x प्लस 1 लेना है. x प्लस 1 अगर यहाँ पे 3 पॉजिटिव इंटीजर का आ गया होता तो हम क्या करते, x प्लस 2 नेक्स्ट ले लेते, x प्लस 3 नेक्स्ट ले लेते, ऐसे हम जाएंगे. सो ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो फर्स्ट अगर x नंबर लेते हैं देन सेकंड x प्लस 1 लेना है. अगर फर्स्ट नंबर y ले लेते हैं, लेट्स सपोज सेकंड हमने y प्लस 1 लेना है, ठीक है, ऐसे ही जाएंगे सीक्वेंस में. सो लेट x एंड x प्लस y ऑन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स. लेट कर लिया हमने. अब हमें स्टेटमेंट बताया गया हुज प्रोडक्ट इज 72. प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करना है और वो 72 के इक्वल है. सो सिंपली x एक नंबर लेट किया है, सेकंड है x प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करना है विच इज इक्वल टू 72. सो सिंपली यहां पे आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है फर्स्ट इंटू फर्स्ट, फर्स्ट इंटू सेकेंड. सो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x इंटू x, x एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1, x इज इक्वल टू 72. सो हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x 72, लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाएं आ जाएगा माइनस 72 इज इक्वल टू 0. अब यहां पे हमने फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है, ठीक है, यहां पे हम फैक्टराइजेशन अप्लाई करने जा रहे हैं. फैक्टराइजेशन में फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास रिजल्ट आ जाता है माइनस 72 एक्स स्क्वायर. अब दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 72 एक्स स्क्वायर आए, और अगर प्लस माइनस किया जाए तो वो मिडिल टर्म आई, दैट इज 1x, ठीक है, सो 1x आना चाहिए. सो ये देख लेते हैं कौन से नंबर हैं दो. सो 8 और 9, माइनस 8 और 9 नंबर हैं. याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर यहां पे मिडिल टर्म के साथ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव का साइन है, नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव है, तो यहां जब फैक्टर आप बनाओगे अपने ग्रेटर नंबर के साथ पॉजिटिव साइन लेके आना है. ये 9 ग्रेटर है 8 से, पॉजिटिव आएगा. जो 8 है उसके साथ नेगेटिव आएगा. अब नेगेटिव 8 के साथ क्यों रखा, बिकॉज माइनस 72 हमें चाहिए, जस्ट 72 नहीं चाहिए. सो माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू माइनस 72, एंड माइनस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 1. सो हमें 1 मिडिल टर्म चाहिए, सब्ट्रैक्ट या एडिशन करें और मल्टीप्लीकेशन करें माइनस 72 एक्स कर चाहिए. सो ये सिंपल है. सो यहां पे यही फैक्टर्स अप्लाई करें. सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इज इक्वल टू 0. सो x कॉमन लें आ गया x प्लस 9, माइनस 8 कॉमन लें आ जाएगा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. सो ये कॉमन में से एक पिक कर लें, x प्लस 9 एंड x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो
x plus 9 is equal to 0 and x minus 8 is equal to 0. 9 को राइट हैंड साइड पे मूव करवाएं, ये आ जाएगा x is equal to minus 9 और x is equal to minus 8 है राइट साइड पे मूव करवाएं, आ जाएगा plus 9 8. सो ये हमारे पास दो नंबर हैं, माइनस 9 है और 8 है, ये दो नंबर हैं. अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन है इसे निगलेक्ट कर देना है, ठीक है, माइनस साइन को निगलेक्ट कर देंगे. सो हमारे पास जो दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 72 आएगा वो नंबर हैं 9 और 8. सो जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा 10 प्लस 8 और 9 जस्ट 9 और 8, ठीक है. सो ये आपका सॉल्यूशन सेट होना है. तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.7 क्लियर हो गया होगा. अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. सो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 15, फाइंड द इंटीजर्स. अब यहां पे 3 इंटीजर्स का बता दिया गया है. प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया वहां पे 2 पॉजिटिव इंटीजर का बताया गया था. सो वो इक्वल है 50 के, वो नंबर फाइंड करें, तीन वो कौन से नंबर हैं. सो स्टार्ट करते हैं ऐसे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं अगेन, एक्स एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2 सीक्वेंस में आपने एड अप करते जाना है. सो और इंटीजर्स, ये हमारे पास 3 लेट हमने कर लिए हैं, इंटीजर्स हैं. सो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3, इन तीनों का सम देन इनका स्क्वायर, वो इक्वल आएगा 50 के. सो अकॉर्डिंग टू गिवन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, इन तीनों का सम ले लिया हमने, देन फिर इनका स्क्वायर लेंगे. स्क्वायर मीन इसका सेपरेट स्क्वायर, इसका सेपरेट और इसका सेपरेट, विच इज इक्वल टू 50 ले लिया. देन एक्स स्क्वायर हैज इट इज प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू ए है एक्स, बी है 1, तो 2x ही आना है, ठीक है. देन प्लस हैज इट इज अगेन फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लेंगे, आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए हमारे पास है एक्स, बी है हमारे पास 2, सो ये आ जाएगा 4x is equal to 50. सो अब देखें यहां पे भी x square है, यहां पे भी x square, यहां पे भी x square है. सो हम इनको सम कर लेते हैं, 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. सो ये आ जाएगा 3x square. देन अब x देखें, यहां पे 2x है, यहां पे 4x है, ये आ जाएगा plus 6x. यहां पे just 1 है और यहां पे 4 है. सो ये आ जाएगा 1 plus 4 5 is equal to 50. अब 3x square has it is plus 6x has it is plus 5. अब यहां पे minus plus 50 है, right hand side पे left hand side पे move करवा लीजिए, आ जाएगा minus 50 is equal to 0. So we can write it 3x square plus 6x minus 45 is equal to 0. अब क्या करना है, थ्री यहां से कॉमन ले, थ्री कॉमन ले लिया, यहां पे भी थ्री है, यहां पे भी है, यहां पे भी है. सो थ्री कॉमन लेंगे, हमारे पास आ जाएगा जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15
इज इक्वल टू जीरो, थ्री को बोथ साइड भी डिवाइड कीजिए, थ्री कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो। अब सिंपली फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है, सो फैक्टराइजेशन में फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर मीन जो थर्ड नंबर है उससे मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास रिजल्ट माइनस 15 एक्स स्क्वायर लेके आना है। सो अगर हमें यहाँ पे प्लस 2x चाहिए, इट्स मीन ग्रेटर जो नंबर है उसके साथ प्लस का साइन यूज करना है, सो यहाँ पे 5 और यहाँ पे हम लेंगे माइनस 3, 5 मल्टीप्लाई में माइनस 3 माइनस 15 आ गया, ठीक है, देन 5 माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 2, सो प्लस 2 आ रहा है, सो इट्स मीन ये दो हमारे फैक्टर हैं, ये यहाँ पे पुट करें, सो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लें x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन लें x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक कॉमन यहां से पिक करें x प्लस 5 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जाएगा माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जाएगा 3, सो ये हमारे पास दो x की वैल्यूज आ गई हैं, एक है माइनस 5 और एक है 3, ठीक है, सो अब इन दोनों को अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास तीन जो इंटीजर हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वो हमारे पास आ जाएंगे। अब देखें हमने नंबर फाइंड करने हैं, सो ये तो दो नंबर नहीं है, ये तो हमने x की वैल्यू लेके आए हैं, ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, इनको पुट करना है यहाँ पे, जब पुट करेंगे x की वैल्यू 3, यहाँ पे 3 अगर लेट्स सपोज चूज कर लेते हैं, x की वैल्यू 3 है, सो यहाँ पे अगर पुट करें जहां पे हमने लेट किया था x, x प्लस 1 x प्लस 2 और इंटीजर लेट हमने किया था, अगर पुट करें सो ये आ जाता है फर्स्ट नंबर आ जाता है 3, एक्स की जगह 3 पुट कर दिया, सेकंड नंबर आ जाएगा 3 प्लस 1 और थर्ड नंबर आ जाएगा 3 प्लस 2, सो ये हमारे पास इट्स मीन जो आपका सॉल्यूशन सेट है वो आ जाता है 3 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर एक्स की वैल्यू 3 पुट की है तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आया, अगर आप चाहते हैं कि एक्स की वैल्यू माइनस 5 पे पुट कीजिए करें तो x की माइनस 5 पुट करें, एक आ जाएगा नंबर माइनस 5, एक आ जाएगा हमारे पास माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, सो ये नंबर पॉजिटिव में भी आ रहे हैं नेगेटिव में आ रहे हैं, सो ये नंबर इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स नंबर पॉजिटिव में होते हैं और नेगेटिव में होते हैं, यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया कि हमने पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं, हमें बताया गया जस्ट इंटीजर फाइंड करने हैं, सो इंटीजर नंबर फाइंड आउट ऐसे हो सकते हैं, सो आप के पास ये भी सॉल्यूशन आ सकते हैं माइनस 3 माइनस 4 एंड माइनस 5, ठीक है, सो ये दोनों सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द लेंथ ऑफ वॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इफ इट्स एरिया इज 36 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ वॉल। अब यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिए कि द लेंथ ऑफ हॉल, एक हॉल है जिसकी लेंथ लेट्स सपोज ये हमारे पास एक हॉल है, एरिया हमें गिवन है 36 स्क्वायर मीटर और इसकी जो लेंथ है वो हमें गिवन है 5 मीटर मोर देन इट्स वेयर, ये समझें 5 मीटर मोर देन मीन वेथ उसकी लेट्स सपोज x मीटर है तो जो उसकी लेंथ होगी वो x प्लस 5, 5 मोर देन x होगी, ठीक है, सो लेट कर लेते हैं जो वेथ है इसकी वो x है और वेट उसकी जो लेंथ है वो x प्लस 5 हो जाएगी, मोर देन 5 मोर देन
इट्स विड्थ, ठीक है, विड्थ से मोर देन है. सो ये लेंथ है, ये इसके विड्थ है, और एरिया हमें गिवन है 36 मीटर स्क्वायर. फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ हॉल. अब लेंथ और विड्थ हमने उस हॉल की फाइंड आउट करनी है. सो लेंथ एक्स इज विड्थ ऑफ हॉल अकॉर्डिंग टू गिवन लेंथ ऑफ हॉल इज 5 मीटर मोर देन विड्थ. सो हम लिखेंगे एक्स प्लस फाइव. वेट हमारे पास लेट हमने कर ली x मीटर है, ठीक है, और लेंथ हमारे पास आ जाएगी x प्लस 5 मीटर. सो अब एरिया हमें गिवन है, हमने वो साइड्स फाइंड आउट करनी है, लेंथ और वेट फाइंड आउट करनी है. सो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करें. एरिया हमारे पास अगर कोई हॉल है, सो इट्स मीन ये इसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेथ इज इक्वल टू एरिया. सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू वेथ ऑफ ऑल. सो अब एरिया हमें गिवन है 36 मीटर स्क्वेयर और लेंथ हमें गिवन है एक्स प्लस 5 मीटर इनटू वेट हमने लेट की है एक्स. अब इसे सॉल्व आउट करते हैं. थर्टी सिक्स मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू सिंपली मल्टीप्लीकेशन करें इस नंबर को इसके साथ, देन इसको इसके साथ. सो एक्स इंटू फाइव एंड एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव इंटू एक्स 5x. इसे अरेंज करके लिख लें x square plus 5x. 36 को राइट हैंड साइड में मूव करवाएं, आ जाएगा माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो. सो अब x square को मल्टीप्लाई करें माइनस 36 से, तो हमारे पास आ जाता है माइनस 36 x square. दो ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस 36 आए, और अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास रिजल्ट आए 5x. सो अगर माइनस 36 x स्क्वायर है, अगर 9x को मल्टीप्लाई किया जाए 4x से, माइनस 4x है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है माइनस 36 x स्क्वायर. और अगर 9x माइनस 4x लिया जाए तो हमारे पास आ जाता है 5x. सो ये दो नंबर हैं 9x और माइनस 4x, यहाँ पे अप्लाई करें x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो. x कॉमन लें, x प्लस 9 माइनस 4 कॉमन लें, x प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो. सो x प्लस 9 into x minus 4 is equal to 0. So we can write it x plus 9 is equal to 0 and x minus 4 is equal to 0. Right hand side में move करवाएं, आ जाएगा x is equal to minus 9, और इसे भी right hand side में move करवाएं, यह आ जाएगा x is equal to 4. So solution set आपका आ जाएगा 9 और 4. So it's mean जो length है वो 9 meter है, ये हमारे पास लेंथ आ गई, और ये हमारे पास वेथ आ गई है, दैट इज 4 मीटर. और यहाँ पे जो साइन माइनस 9 का है, देखें एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है. सो यहाँ पे माइनस साइन जो है उसे नेगलेक्ट कर देंगे, सो दैट्स व्हाई हमारे पास जो एरिया है वो पॉजिटिव आ सकेगा. अगर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36 मीटर स्क्वायर आना है. 9 मीटर इट्स मीन ओवर लेंथ, ये लेंथ है हॉल की, और 4 जो है वो इसकी वेथ है. So, hopefully question number
श्रेय आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो नए आने वाले लेक्चर हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।